like a Hellcat. हेलो गाइस, तो स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल जेपी एक्सपेरिमेंट में। तो फ्रेंड्स, आज हमने बनाया, देख सकते हैं, ये है हैंड सैनिटाइजर मशीन। ये एक ऑटोमेटिक सैनिटाइजर मशीन है। तो आपको सिंपली यहाँ पे हाथ प्रेस करना है और आपके हाथ में सैनिटाइजर आ जाएगा। काफी चिप प्राइस में बन जाती है और इसका लुक आपको यूट्यूब पे कहीं पर नहीं मिलेगा। ये मैंने खुद से डिजाइन की है, काफी इसका अच्छा लुक भी इसका काफी अच्छा है। तो फ्रेंड्स, चलते हैं अपने वीडियो की ओर, देखते हैं किस तरीके से बनाई गई एक हैंड सैनिटाइजर मशीन। तो फ्रेंड्स, चलिए चलते हैं अपने वीडियो की ओर। सो गाइस, इसके लिए आपको सबसे पहले चाहिए 140 mm का पीवीसी का पाइप है। ये आपको हार्डवेयर की शॉप पे आसानी से 50 रुपये का मिल जाएगा। ये आपको 40 mm का लाना है, उसको मैंने 25 सेंटीमीटर कट कर लिया है। और उसके बाद चाहिए आपको पेपर, आपको इतना बड़ा पेपर चाहिए तो जो कि इसकी हाफ बॉडी को कवर कर सके। तो फ्रेंड्स, देख सकते हैं ये इतना बड़ा पेपर है कि इसकी हाफ बॉडी को कवर कर रहा है। इतना बड़ा ही आपको पेपर चाहिए, देख सकते हैं ये हाफ बॉडी को कवर कर रहा है। और फ्रेंड्स, उसके बाद आपको ये जो हमारा ये पेपर है उसको कुछ स्टेप से फोल्ड कर लेना है, देख सकते हैं आप, स्टेप से आपको फोल्ड कर लेना है। और फ्रेंड्स, उसके बाद प्रकार लेंगे और उसको स्टेप से कर लेना है जिस स्टेप से मैं कर रहा हूँ, कुछ स्टेप से आपको कर लेना। और अब हमको इसको यहाँ से कट कर लेना है। तो फ्रेंड्स, आप इसको सीजर से या फिर ब्लेड से किसी भी कट कर सकते हैं। तो कुछ स्टेप से मैं इसको कट कर लूँगा, आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से हम इसको कट कर लेंगे। और फ्रेंड्स, कट करने के बाद देख सकते हैं मैंने इसको कट कर लिया है। और कट करने के बाद इस जो हमारा पाइप है वहाँ पर हम मार्किंग कर लेंगे कुछ स्टेप से, आप देख सकते हैं जिस स्टेप से मैं कर रहा हूँ, यहाँ से हमको मार्किंग कर लेनी है। और अब हमको जो हमने ये मार्किंग की है इसके बीच वाले हिस्से को हमको कट कर लेना है। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं मैंने इसके बीच वाले हिस्से को कट कर लिया है और इसको मैंने सैंड पेपर से रफ कर लिया है ताकि इसकी फिनिशिंग थोड़ी अच्छी आ सके। कुछ स्टेप से आपको कट कर लेना है, इस स्टेप से मैं कर रहा हूँ, आपको ये आराम से करना है। और उसके बाद चाहिए आपको इस टाइप की प्लास्टिक की शीट, ये पतली वाली लेना ताकि इसको हम बेंड कर सके। कुछ इस टाइप से ये प्लास्टिक की शीट चाहिए और इसको इस टाइप से हमको चिपका लेना है। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं मैंने इसको कुछ इस तरीके से चिपका लिया है और इसको मैंने सैंड पेपर से रफ कर लिया है, देख सकते हैं। इसको स्टिंग ग्लू से हम चिपका लेंगे, आप किसी ग्लू गन का यूज़ मत करना ताकि वो, क्योंकि बाद में उचक जाती है। कुछ स्टेप से देख सकते हैं मैंने इसकी फिनिशिंग भी कर ली है। और उसके बाद आपको एक और प्लास्टिक की शीट चाहिए ताकि हम इसके नीचे का बेस बना सकें। तो फ्रेंड्स, देख सकते हैं यहाँ पे हम रख के इसकी मार्किंग ड्रॉ कर लेंगे। कुछ स्टेप से आप देख सकते हैं मैंने इसकी मार्किंग ड्रॉ कर ली है और अब हमको इसको कट कर लेना है। तो फ्रेंड्स, देख सकते हैं काफ़ी वीडियो बड़ी नहीं हो जाए इसलिए मैंने इसको कट करके चिपका लिया है, देख सकते हैं। कुछ स्टेप से आपको इसको चिपका लेना है। और फ्रेंड, अब क्या होगा कि अब इसके अंदर हम जैसे सैनिटाइजर भरेंगे तो इसके अंदर लीकेजिंग होगी, तो इसको लीकेजिंग को हम बंद करने के लिए देख सकते हैं बॉन्ड टाइट का यूज़ करेंगे। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप एमसील का भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अंदर दो ट्यूब निकलती है कुछ स्टेप से और हम इन दोनों को बराबर मात्रा में लेकर इनको कुछ स्टेप से मिक्स करना होता है जिस स्टेप से मैं कर रहा हूँ। आप एमसील का भी यूज़ कर सकते हैं, वो 10 रुपये की मिल जाएगी। कुछ स्टेप से देख सकते हैं जहाँ पे होल है वहाँ पर हम बॉन्ड टाइट को लगा लेंगे। और देख सकते हैं मैंने यहाँ पे सभी जगह पर लगा लिए कुछ स्टेप से। और फ्रेंड, उसके बाद चाहिए आपको इस स्टेप का एल्बो ताकि इसको हम पीछे की ओर लगाएंगे ताकि हम इसके अंदर सैनिटाइजर को भर सकें। फ्रेंड, सबसे पहले हमको यहाँ पे होल कर लेना है। तो फ्रेंड, इसको मैं सॉल्डरिंग आयरन की हेल्प से यहाँ पे होल कर लूँगा। अब देख सकते हैं कुछ स्टेप से हम इसके अंदर होल कर लेंगे। तो देख सकते हैं मैंने इसके अंदर होल कर लिया है और अब हम इसके अंदर जो एल्बो है उसको मैंने लगा लिया है। और इसको उसके बाद मैंने इसको स्टिंग ग्लू से अच्छी तरीके से चिपका लिया है। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कुछ स्टेप से एल्बो को लगा लेना है। और फ्रेंड, उसके बाद चाहिए आपको इस टाइप की प्लास्टिक की शीट दो चाहिए आपको। और फ्रेंड्स, ये वाली नहीं, इस वाली फ्रेंड दूसरी वाली हमको लगानी है। इस टाइप से इसको लगा लेंगे और इसको हम स्टिंग ग्लू से चिपका लेंगे, देख सकते हैं इसको हम स्टिंग ग्लू से चिपका लेंगे। और फ्रेंड, उसके बाद चाहिए आपको ये वाटर पंप। फ्रेंड, इसकी वीडियो मैंने बनाई नहीं है, आपको इसकी वीडियो जल्दी मिल जाएगी अपने चैनल पर, इसलिए बोलता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब कर लो। फ्रेंड, ये पानी को जो हमारा पानी फेंकता है इससे हम सैनिटाइजर को भी फेंक सकेंगे, आप देख सकते हैं। और उसके बाद चाहिए आपको ये पाइप, देख सकते हैं आपको 2 रुपये का फिट मिल जाएगा।
और फ्रेंड जो हमारे ये वाटर पंप है वहाँ पर इसको हम लगा लेंगे कुछ स्टेप से। और फ्रेंड उसके बाद चाहिए आपको, मैं बताऊँगा आपको क्या चाहिए। उसके बाद चाहिए आपको ये परफ्यूम होता है उसके ऊपर वाला कैप, और इसके अंदर जो नली होती है वो भी हमको चाहिए। और जो हमारी नली है उसको हम यहाँ पे लगा लेंगे। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं मैंने इसको कॉपर के वायर से टाइट कर लिया है, और अब हम इसके ऊपर जो कैप है वो आसानी से फिट हो जाएगी कुछ स्टेप से आप देख सकते हैं। और फ्रेंड्स अब इसको है ना जो हमारे हाथ में सैनिटाइजर फवारे की तरह आएगा, फिर इसको हम यहाँ पे लगाएंगे। इसके लिए हमको सबसे पहले यहाँ पे होल कर लेना है, देख सकते हैं मैंने यहाँ पे होल कर लिया है। और फ्रेंड्स होल करने के बाद जो हमारा ये पाइप है इसको हम कुछ इस तरीके से यहाँ पे फिट कर लेंगे, और जो आगे की कैप है इसको भी हम लगा लेंगे। देख सकते हैं कुछ स्टेप से आपको काफ़ी इजी है इसको लगाना। और फिर उसके बाद हम एक रेड और एक ब्लू लाइट का यूज़ करेंगे, सॉरी फ्रेंड ग्रीन, ये आपको इसको बटन LED लाइट कहते हैं, ये आपको चाहिए ताकि इसको नाइट में भी इसकी लुकिंग अच्छी दिखे, तो इस टाइप से आपको चाहिए। और फ्रेंड्स अब हमको इसके जो दोनों पॉजिटिव वायर है इनको एक साथ कनेक्ट कर लेना है, देख सकते हैं इसके दोनों पॉजिटिव वायर को एक साथ कनेक्ट कर लेना है, और इसके दोनों नेगेटिव वायर को एक साथ कनेक्ट कर लेना है। काफ़ी ईजी है इसको कनेक्ट करना, देख सकते हैं इसके दोनों नेगेटिव वायर को मैंने एक साथ कनेक्ट कर लिया है कुछ स्टेप से। और फ्रेंड्स अब हम जो LED लाइट है इसको यहाँ पर हम चिपका लेंगे, आप देख सकते हैं कुछ तरीके से। फ्रेंड्स अब मैंने यहाँ पे होल करके वायर को अंदर की ओर ले आया है, निकाल लिए हैं। और फ्रेंड्स देख सकते हैं यहाँ पे मैंने एक और होल कर लिया है ताकि हमको फीमेल पावर कनेक्टर लगा सके, ताकि इसको हम सप्लाई दे सके। कुछ स्टेप से होल करने के बाद इसको हम लगा लेंगे। उसके बाद हम एक पुश स्विच का यूज़ करेंगे, देख सकते हैं ये ऑन ऑफ के लिए काम आएगा। तो फ्रेंड्स इसको मैंने यहाँ पे हम इसको लगा लेंगे, देख सकते हैं कुछ स्टेप से, ताकि हम यहाँ पर हाथ रखेंगे ये पुश स्विच दबेगा और हमारा जो मोटर है वो ऑन हो जाएगी। तो इसके लिए हमको कुछ यहाँ पर दो वायर को कनेक्ट कर लेना है, आप देख सकते हैं एक वायर को हमको यहाँ पे कनेक्ट करना है, और दो देख सकते हैं मैंने इसके दोनों वायर को कनेक्ट कर लिया है। और फ्रेंड्स अब जो LED के वायर हैं देख सकते हैं ये ऑन ऑफ का स्विच का वायर है और वाटर पंप का वायर है, कुछ स्टेप से लगा लेना है। काफ़ी सिंपल इसके कनेक्शन है, कोई हार्ड प्रॉब्लम नहीं होगी इसको कनेक्शन करने में, देख सकते हैं आप कुछ स्टेप से आपको लगा लेना है। और जो ये यहाँ पे एक हम पावर सप्लाई है वहाँ पर भी हम दो वायर को कनेक्ट कर लेंगे, ये देख सकते हैं मोटर का नेगेटिव का वायर है इसको हम यहाँ पे लगा लेंगे, और एक नेगेटिव के वायर को उस स्टेप से यहाँ पे कनेक्ट कर लेंगे। काफ़ी इजी कनेक्शन है। और एक लाइट का वायर है नेगेटिव का जो को यह लगाना है, और उससे पहले हमको चाहिए एक 7805 की IC, ये आपको 20 रुपये में मिल जाएगी, ताकि क्योंकि 12 वोल्ट करंट आएगा और हमारी जो LED लाइट है वो 3.7 वोल्ट की है। तो कुछ स्टेप से देख सकते हैं हमको LED के पॉजिटिव वायर और सप्लाई के पॉजिटिव वायर को लगा लेना है, और पॉजिटिव वायर को लगा लेना कुछ स्टेप से। फर्स्ट वाली पिन है वहाँ पे हमको पॉजिटिव लगा लेना है, और सेकंड वाली पिन है वहाँ पे हमको नेगेटिव लगा लेना है। तो फ्रेंड काफ़ी इजी इसके कनेक्शन है, देख सकते हैं मैंने इसके कनेक्शन कर लिए हैं। फ्रेंड्स अब मैंने इसके ऊपर का कैप भी लगा लूँगा, देख सकते हैं अब हमको उसके लिए इससे पहले हमको नीचे की ओर लगाएंगे जो हमने बेस बनाया था वहाँ पर मैंने होल कर लिया है ताकि हम ऑन ऑफ का स्विच लगा सकें, देख सकते हैं यहाँ पे हम उसको लगा लेंगे। अब जैसे हम यहाँ पे प्रेस करेंगे हमारे हाथ में सैनिटाइजर आ जाएगा, कुछ स्टेप से आप देख सकते हैं। फिर मैंने इसको अब लगा लिया है, और यहाँ पर हमको प्रेस करना है और सिंपली हमारे हाथ में सैनिटाइजर आ जाएगा। और फिर देख सकते हैं ये मैंने कैप लगाई है इसके ऊपर वाली, और यहाँ पे मैंने दो हुक भी बना लिए ताकि इसको हम ऊपर के खोल भी सकें। कुछ स्टेप से मैंने इसको लगा लेना है, देख सकते हैं मैंने इसको लगा लिया, और अभी हमारा बनकर तैयार हो चुका है। फ्रेंड्स हमको सिंपली इसके पीछे की ओर सैनिटाइजर भर लेना है, यहाँ से हम इसके अंदर सैनिटाइजर भरेंगे, और यहाँ पे जैसे हम प्रेस करेंगे वहाँ वैसे ही हमारे हाथ में आ जाएगा, देख सकते हैं। और यहाँ पे दो LED लाइट भी लगाई गई है ताकि लुकिंग में भी थोड़ा अच्छा दिखे। तो और इसके लिए इसको चलाने के लिए आपको चाहिए ये एडेप्टर, देख सकते हैं ये 12 वोल्ट 1200 एम्पीयर का एडेप्टर है, देख सकते हैं इसके अंदर ये वाली पिन होती है, इसको हमको लगा लेना है अपने
जो है सैनिटाइजर मशीन, उसके अंदर कुछ स्टेप से आप देख सकते हैं और ये हमको प्लग में लग जाएगा। तो फ्रेंड्स चलिए अब इसकी हम टेस्टिंग करेंगे कि किस तरीके से वर्क करता है। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं जैसे मैं इसके नीचे हाथ ले जा रहा हूँ, मेरे हाथ में सैनिटाइजर आ रहा है, आप देख सकते हैं कुछ स्टेप से देख सकते हैं मेरे हाथ में सैनिटाइजर आ रहा है। काफ़ी स्मूथली ये वर्क कर रहा है, हमको सिंपली प्रेस करना है और हमारे हाथ में सैनिटाइजर आ जाएगा। देख सकते हैं फ्रेंड्स, मैं एक बार आपको फिर से इसकी टेस्टिंग करके दिखा लेता हूँ। देख सकते हैं मैं यहाँ पे कार्डबोर्ड का पीस लगा रहा हूँ, आपको यकीन नहीं हो रहा है तो देख सकते हैं ये कार्डबोर्ड के पीस के ऊपर भी ये सैनिटाइजर आ रहा है कुछ स्टेप से, देख सकते हैं सैनिटाइजर। तो गाइस कैसे लगे वीडियो, वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि ऐसी और भी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आ सके। तो फ्रेंड्स आप वीडियो तो देखते हो और वीडियो को लाइक नहीं करते हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो, तो फ्रेंड्स सब्सक्राइब कर दीजिए, आपके छोटे भाई का चैनल है। फ्रेंड्स आप कमेंट में बताना कि मैं अगले कौन से प्रोजेक्ट पर वीडियो बनाऊं। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।